यार मुझे तो ननाड़ रहे हैं। ये मुर्गी का अंडे से निकाल तो नहीं, ये मुर्गे का थोड़ा गला खराब है। अच्छा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं जितनी आती है थोड़ी। इमरान हाँ की आप आवाज निकाल सकते हैं? भाईजान आपने मुझ पे पर्चा करवाना है आपकी मेरे। जो उसकी आवाज निकालने की फिर हमारी बात है, किसी ने नहीं सुननी, आप समझे हैं। सुबह सुबह जब मुर्गा उठ के बांग देता है, जब उठता रहा आपको अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट स्वीटी बट इंडिपेंडेंट पाकिस्तान से। अच्छा आज हम अंदरूने शहर दिल्ली गेट के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि मैं पता चला कि यहाँ एक ऐसा टैलेंटेड लड़का जो कि जानवरों की आवाज़ें निकालता है और जानवरों की आवाज़ें समझता है, जानवर उससे बातें करते हैं और वो जानवरों से बातें करता है। आज वो भाई हमारे पास ये इस वक्त मेरे टाइम मेरे पास मौजूद है। आए हम इनसे जानेंगे कि ये कुदरती टैलेंट इसमें है या इन्होंने किसी को कॉपी किया, क्या चीज़ें जो इनके अंदर वो अंदर बोलती हैं, वो जो ये उनको इजहार करते हैं। जब खड़े होते हैं तो कबों को इकट्ठे कर लेते हैं, जब तोतों की आवाज़ें निकालते हैं तोते इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्लियों की आवाज़ें निकालते हैं बिल्ली इकट्ठी हो जाती हैं। आए हम इनसे भाई से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है मेरे भाई का? फारूक नाम है जी भाई जान। अच्छा फारूक भाई, ये बताइएगा कि आपकी काफ़ी जो वीडियो हैं वो वायरल हुई हुई हैं, वो मैंने देखा, इसलिए हम आज आपका यहाँ इंटरव्यू करने आए हैं। और काफ़ी लोगों से पूछा कि वो हमें वो उस भाई का बताएं जो जानवरों की आवाज़ें निकालता है, और आप तो इस दरून शहर में बड़े फेमस हैं इन इन आवाज़ों से। मुझे ये बताइएगा कि ये आपको शौक कैसे पड़ा, कैसे आप ये जानवरों की आवाज़ें निकाल लेते हैं, ये यहाँ कोई आप डबिंग करते हैं या ये मेरा हमारे व्यूअर को जरा बताइएगा। इसमें डबिंग कुछ नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है, बचपन से ये मुझे टैलेंट है थोड़ा सा। अच्छा। तो ये अब आके थोड़ा रोनमा हुआ है, नुमाया होना शुरू हो गया है। ठीक है, पहले भी था, काफी शुगल मेला करते थे। अच्छा। पर अब आके मैंने थोड़ा कम कर दिया, अचानक ही मैंने शुरू किया दोबारा। अच्छा। कौवे इकट्ठे करने, ये बिल्ली की आवाजें निकालनी, लड़की की भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, और लड़की की, बिल्लियों की, कौवे की, कुकड़ की, हर चीज की आवाज आ जाती है। ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मुझे बताएं कि मैं किस चीज़ की आपको, लड़की की, बिल्ली की, मुर्गे की, कौवे की, तोते की, किसकी आवाज़ें सुनता हूं? अच्छा व्यूवर्स, जैसा कि ये भाई अपनी अपनी आवाज़ों से मशहूर हैं, तो आज हम इनसे पहले वो जो कौवे जब ये इकट्ठे करते हैं तो हम ये इनसे कौवों की आवाज़ सुनेंगे कि ये कैसे कौवे की आवाज़ निकालते हैं। जी ज़रा बताइएगा, ज़रा कौवे की आवाज़ निकाल कर ये आप कौवों को क्या कह रहे हैं? ये कौवों को मैं कह रहा हूँ रोटी खुल गई है, आ जाओ, फिर आ जाते हैं सारे। यहाँ कोई शादी हो रही है जो रोटी खुल गई है? नहीं, बस ये इसी तरह टैलेंट है भाई जान। अच्छा ये कौवे की आवाज़ थी। हाँ जी। अच्छा मैं पता चला कि आप तोतों की भी आवाज़ निकालते हैं, पैरट की है। जी बताएं जरा, ये तोते की आवाज़ है? ये तोते को आपने क्या कहा है? ये वैसे ही मिठू चूड़ी खानी है। देखिए क्या बात है ये भाई, तोतों की और कौवे की आवाज़। अच्छा वो सुना था आप बिल्लियाँ भी आपस में वो लड़ा देते हैं कभी कभी, आप किसी रश में जा रहे होते हैं तो आप बिल्ली की आवाज़ें निकालते हैं, ये क्या सीन है? काफ़ी औरतें भी डर जाती हैं इस चीज़ से कि अगर मैं पीछे से जा रहा हूँ, मैंने आवाज़ निकाली और बीबी आगे से इधर उधर हो गई हैं। ये सुने, यार मुझे तो ननाड़ रहे हैं। व्यूअर्स देखा आपने, जैसे बिल्लियाँ बिल्ला वो आपस में झगड़ते हैं तो ये आवाज़ें निकाली। अच्छा और भी कोई आपको आवाज़ निकालनी आती है? जब मुर्गे की आवाज़ निकाल कर ये मुर्गे का अंडे से निकाल तो नहीं, नहीं ये मुर्गे का थोड़ा गला खराब है। अच्छा। ये मुर्गे को फ्लू हुआ हुआ है। अच्छा तो आपको आवाजें आनी थी बड़े मजे की। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताएं, ये तो चले आप जानवरों की आवाज़ें निकाल रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये वो आप लड़की की भी आप आवाज निकाल लेते हैं? का थोड़ा इशू है, नहीं तो लड़की चले थोड़ी सी आवाज निकाल। लड़के काफी फसाए हुए थे, कोई कम से कम 150-200 बंदा फसाया हुआ था मैंने। अच्छा। और रोज मुझे 4-5 हज़ार का बैलेंस आता था और वो मेरा उतना ही नुकसान हो जाता है जिसकी वजह से मैंने ये छोड़ दिया। कुछ महीने पहले मैंने भी 500 को लोड कराया था मैंने, कुछ महीने कहीं वो आप तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो बात बताऊँ क्या है कि जो पैसे आते थे ना वो मेरा समझ लो कोई माल उठाया गया, कुछ हो जाता चोरी, इसलिए मैंने काम ये छोड़ दिया, बायकॉट कर दिया इस चीज से। और लड़की की आवाज़, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं जितनी आती है थोड़ी सी आवाज़ निकलती है, इसके अलावा आवाज़ ख़राब हो गई हुई है, गला खराब है। अच्छा तो मेरी बात सुने आप, मैंने सुना कि आप काफ़ी लोगों की भी डबिंग कर लेते हैं, काफ़ी लोगों की आवाज़ें निकाल लेते हैं। अच्छा इमरान हाँ की आप आवाज़ निकाल सकते हैं? भाईजान आपने मुझ पर पर्चा करवाना है आपकी मेरे।
आवाज उसकी निकाल पाते क्यों उनकी वाल निकाल से पर्चा होता है, पर्चा हो जाता है आपको पता नहीं है। आप गए हैं मैंने इमरान खान को वोट देना, आपको उठा के ले जगह घर से, ये माइक शाइक कैमरे जैमरे सब कुछ उठा के ले। लेकिन मुझे तो पता है कि आप इमरान खान साहब की वाल निकालते हैं। वो निकालते हैं पर वो टाइम माइक निकालने का आवाज, वो आपको पता है हमारी आवाजें निकलेंगी वो किसने सुननी है, जो उसकी आवाज निकालने के फिर हमारी आवाज किसी ने नहीं सुननी, आप समझे। अच्छा इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की जो आवाज है वो हम फिर किसी दिन डाल लें, इसी दिन जब तो जब वो ओके हो जाएंगे तो फिर आप उनकी आवाज निकालेंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा मुर्गा सुबह के सुबह मॉर्निंग टाइम पे जब वो अपनी धुन में होता है तो वो उसको आप कैसे उसकी आवाज निकालते हैं? सुबह सुबह जब मुर्गा उठ के बांग देता है, जब उठता रहा आपको माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप मुझे मैंने सुना है आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप मुर्गे की आवाजें निकाल कर लोगों के आसपास की मुर्गियां जो हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं और वो मुर्गियां जिबा करके फिर रात को देसी मुर्गे की कढ़ाइयां बनाते हैं। ये मैंने सुना है, ये बताएं जरा। बस ये भी एक टैलेंट है, वो भी आ जाती है मुर्गियां का कौन सी बात है, मुर्गियां तो जहां से मर्जी इकट्ठी कर ले आवाज ही निकालनी है। ये देखा अगर ये मिसाल पे वो कवा है उसको ठंड लग रही है, अच्छा तो उसको कैसे आप वो उसकी आवाज निकालेंगे कि जैसे कवे को ठंड लग रही है? ये तो मुझे लगता है कवे को गैस हुई है, गैस नहीं है इसको सर्दी लग रही है, आपने ऊपर कुछ डालना है इसके बाद। अच्छा अच्छा ये चलो ये तो ठीक हो गया। और जब आप किसी जा रहे होते हैं रश में जा रहे होते हैं तो बिल्लियों की जब आप आवाजें निकालते हैं तो एक बिल्ली लड़ी होती है बिल्ली के साथ, वो आवाजें आप निकालते हैं तो बाद में आप इनको सुलह नहीं कराते? नहीं हम नहीं सुलह कराते, हमारा नहीं है सुलह शुलह। अच्छा ये बताइएगा बिल्ला भाई कि जब कवों से आप बातें करते हैं तो कवे आपकी तरफ आना शुरू होते हैं, ये तो हमने देखा है, ये तो अभी हमने अपने लाइव देखा है कि आपने वो जब लाइनों पे हमारे आप हमारे साथ गए हैं तो वहाँ कवे इकट्ठे हुए हैं और वो आपके साथ चीखने लग गए हैं, मुझे तो नहीं पता चला कि वो क्या कह रहे हैं। आप ये जरा हमारे ऑडियंस को बताइएगा व्यूवर्स को बताइएगा वो क्या ऐसी बातें हैं वो जो वो एकदम से वो 4-5 हज़ार कवा इकट्ठा होता है, ये क्या रीज़न है भाई जन? ये यही है कि एक आधा कवा उसकी आवाज निकालता हूँ मैं, अगर मैं ये समझो वो मुसीबत में है, वो सारे आसमान में इकट्ठे हो जाते हैं नीचे आते हैं उसकी मदद के लिए, वो पीर मेरे पीछे पीछे आता है, इधर इंसान एक जिंदा पड़ा होगा उसके पास से लोग गुजरी जाएंगे कोई उसका ख्याल नहीं करेगा। बस ये मैं एक वो बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ मुसीबत में है उसकी कोई मदद करने आते हैं वो सारे कौवे, ठीक है अगर एक बंदा मुसीबत में सारे पास से गुजरेगा कोई उसके पास नहीं आएगा, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस यही थीम है हमारा। वो आपकी बात ठीक है लेकिन जब वो देखते हैं कि अब हमारे जब आपकी बात सुनते हैं तो क्या फिर वो वापस चले जाते हैं ना, या आप उनको आप हिंट देते हैं कि आप चले जाओ कोई ऐसा खतरा नहीं है? भाई जन सिर्फ उसके आवाज निकालने को यही होता कि हमारा कोई बहन या भाई होगा उनका कोई, वो मुसीबत में है तो वो सारे इकट्ठे होते हैं, मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा मेरे पीछे पीछे भागेंगे सारे, ठीक है हाँ बस इतना ही है उसमें के और कोई चक्कर नहीं। इसका मतलब ये है कि कभी हमने आपको कभी किसी दावत पे बुलाना हो तो 4-5 हज़ार कवे की हम रोटी लैदा पका के रखी, वो कवों की आपने बुड़कियां करके लैदा से रख ली है ठीक है 4-5 हज़ार कवों की, ठीक है वो इसलिए फिर आपको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। जैसा कि हमने फरूक उर्फ बिल्ला भाई की आपको बातें सुनाई, उन्होंने कुकर की कवे की वो बिल्ली की और लड़कियों की आवाजें निकाली और काफ़ी मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें निकाली। देखिए इतना टैलेंटेड लड़का जो हमारे अंदरून शहर में मौजूद है, हमें चाहिए हमारे जो जो हमारे लोग सुन रहे हैं अगर वो उनकी उन तक हमारी ये वीडियो वो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस टैलेंटेड जो लड़का है इसको प्रमोट करें, इसको हमें चाहिए कि अपने टैलेंट को ऊपर लेकर आएँ। और अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको कहीं से कभी ऑफर भी हुई है कभी, या आपने कभी छोटे थे स्कूल में किसी भी जहाँ को पार्टिसिपेट किया हो? पार्टिसिपेट सिर्फ स्कूलों में होते थे बच्चों के साथ, बस वही शुगर लगाते थे, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं। बाकी अपना माशाल्लाह कपड़े का काम है, ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी गुजर रही है जिंदगी। थैंक यू सो मच जी, ये थे मेरे साथ फरूक बिल्ला भाई जिनसे मैंने अभी बातें की और इनका इंट्रोडक्शन अपनी व्यूवर्स को कराया। अपने होस्ट को नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, आपका भाई स्वीटी बट इंडिपेंडेंट पाकिस्तान से, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।